नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां हैलट अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही संक्रमित महिला को बचाने के लिए उनके परिजनों ने एक आखिरी कोशिश की। संक्रमित महिला से जय श्री राम और बालाजी महाराज का जय घोष लगवाया है। महिला को मोटिवेट करने के लिए खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन कोरोना महिला को निकल गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दो महिलाएं मरीज के बेड को घेरे खड़ी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भगवान का नाम लेकर जयकारे लगाती हैं। पूरे वार्डों में उनकी आवाज़ गूंजने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद महिला की मौत हो जाती है। महिला को हैलट के कोविड वार्ड नंबर 4 में भर्ती किया गया था। उसका इलाज डॉक्टर आलोक वर्मा कर रहे थे। ये पूरा मामला 22 अप्रैल का है। LLR हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर RB कमल ने बताया कि वार्ड में अपने मरीज को देखने के बहाने से दो महिला वार्ड के अंदर घुस आईं और मरीज को पकड़कर उसके ऑक्सीजन मास्क निकाला, हनुमान चालीसा पाठ करने लगी। जब वहां के वार्ड बॉय उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों महिला उस वार्ड बॉय से लड़ने पर आमदा हो गई। इस मरीज के परिजनों की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।